हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल दोस थिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तो ये वो रेजिस्टेंस नहीं है जो हम मैथमेटिकली ओम्स लॉ से फॉलो करते हैं। जनरली आप टीवी की शॉप पे या किसी रेडियो की दुकान पे जाओगे, जो सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस यूज होता है उस पे एक कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग एज इन लेट मी शो यू, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसमें मान लो पहला कलर है मान लो ए, अभी हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं बी और सी, अभी फोर्थ कलर की बात नहीं हो रही है, केवल तीन कलर्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन ही आता है कि कैसे पता चलेगा कि आपको किधर से कलर देखना है। देखिए, जिस तरफ गैप कम होगा उधर से आपको कलर देखना है। ठीक है, तो ए बी सी, तो जो इस केस में आपको जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी इनटू 10 टू द पावर सी, ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब कैसे अब हम देखेंगे, देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सी कोडिंग है, क्या ये याद रखिएगा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। वंस अगेन आई एम सेइंग इट, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो द कलर, पहला कलर क्या है, पहला बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, और आप नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सपोज पहला जो कलर है वो आपका क्या है, से येलो, दूसरा जो कलर है से वायलेट, तीसरा कलर से रेड। तो अब आपसे इसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने को दिया जाए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू येलो, येलो की पोजीशन क्या है 4, तो यू सिंपली राइट इट 4। वायलेट, वायलेट की पोजीशन क्या है 7, तो आपने क्या लिख लिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 वाले की पोजीशन रेड, रेड कहां पे है 2, 10 टू द पावर 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो हमको समझ में आ गया है, अब कोई भी कलर है जैसे कि वायलेट येलो रेड था, तो वायलेट की पोजीशन येलो की पोजीशन फिर वायलेट की पोजीशन फिर इनटू 10 टू द पावर रेड की पोजीशन, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। बट अब अगर हम बात करें फोर्थ कलर की, फोर्थ कलर किस केस में नो फोर्थ कलर, क्या है हमारा नो कलर, ठीक है नो फोर्थ कलर, कोई भी चौथा कलर नहीं है, तो यहां पे डेल आर जो है वो क्या हो जाएगा 20%। ये क्या है नो कलर के केस में, किसके केस में नो कलर के केस में। अगर फोर्थ कलर, अगर फोर्थ कलर आपका क्या हो सिल्वर, सिल्वर कलर अगर यहाँ पे होता है, तो जो है रेजिस्टेंस आपको जो एरर होती वो आपकी कितनी होती 10%। और अगर आपका फोर्थ कलर कैसा होता गोल्ड होता, तो जो है आपकी एरर होती वो होती 5%। तो बेसिकली कितना परसेंट एरर आएगा रेजिस्टेंस, जैसे अब यहाँ पे चौथा कलर है नहीं, तो 47 प्लस माइनस 20% ऑफ दिस। अगर आपका सिल्वर होता फोर्थ कलर तो 10% ऑफ दिस, और अगर आपका गोल्डन कलर होता चौथा तो आपका क्या होता 5% ऑफ दिस। तो फोर्थ कलर ये डिसाइड करता है कि कितनी एरर है, दैट इज गोल्ड में मिनिमम एरर होती है और ब्लू कलर में मैक्सिमम एरर होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी देख के ही बस किसी कहीं पे भी आप देख के बस रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, आप कोडिंग आप देख लेंगे उसके हिसाब से आप अपने माइंड में, ये आपको याद स्लोली स्लोली याद हो जाएगा, उसके हिसाब से आप किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे हाउ द करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो देखिए, अब कंडक्टर में करंट फ्लो हमें पता है किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो पहला केस, व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड बैटरी, जब हमारा कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है,
तो जैसे सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट दे आर मूविंग सच दैट, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर उधर रैंडम मोशन में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन सच दैट नेट वेलोसिटी इज जीरो, सच दैट नेट वेलोसिटी इज जीरो, तो दस नो मूवमेंट इज शोन, तो कोई मूवमेंट शो नहीं करता, तो दस नो करंट फ्लोस, दस नो करंट फ्लोस। अब क्योंकि भाई जब आपके इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे, तो नेट वेलोसिटी क्या आ रही है आपके, जीरो, मतलब कि टोटल शून्य, एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब करंट, जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहे हैं एवरेज, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो करंट, ओके। बट अब सेकेंड केस, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें किससे, बैटरी से, तो क्या होता है, लेट्स सी, अब यहां पे हमने देखा है कि ये कंडक्टर आपका बैटरी से कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कैसे भी जो भी इलेक्ट्रॉन है आपके फ्लो करेंगे एक दूसरे को धक्का मारते हुए, क्या धक्का मारते हुए आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और एक्चुअल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टेड हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डायरेक्टेड हो जाएंगे, वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढकेलते हुए मूव कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक मूव कर पा रहे हैं, तो करंट फ्लो हो रहा है। Now, जो ये टकरा रहे एक दूसरे में, कोलिजन, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन टकराया, अभी दूसरे से टकराएगा, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, वी कॉल इट रिलैक्सेशन टाइम। और अब रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। Now, let's see drift velocity. तो क्या है? It may be defined as the average velocity gained by free electrons of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field. Externally applied electric field क्यों? क्योंकि हमने battery के through दिया है, तो वो हमने apply की है. और second thing, opposite, क्योंकि electrons हमेशा electric field के किधर move करते हैं? Opposite. और ये क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन अगर हम ड्राइव करना चाहें, तो हमें पता है जैसे कि अब एस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, तो यहां पे जो आपका फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू ई इन टू ई, क्यों, क्योंकि आपका क्यू की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो F is equal to क्या हो जाएगा, E into E। अब Newton's law से हमें पता है, by Newton's कौन सा law, second law, हमें पता है कि F is equal to क्या होता है, M into A, तो यहां से हम दोनों equation को equate कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, M into A is equal to EE, तो इसका मतलब acceleration क्या हो जाएगा, EE by M, तो इस acceleration से जो है आपके electrons उस electric field में accelerate करेंगे, तो बट अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना बाकी है, तो इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, द टाइम जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, उस टाइम पे हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो उसको हम क्या मान लें, यू, तो इनिशियली यू इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू क्या मान लो, वी, ठीक है। तो अब हमें एक्सेलरेशन पता है एंड टाइम, टाइम
between two collisions, time between two collisions, that is क्या बोलते हैं उसको relaxation time उसको हम क्या लेंगे tau लेंगे ठीक है तो using क्या use करेंगे using v is equal to u plus at तो v की जगह क्या आ जाएगा vd u की जगह zero plus a की जगह e into e by m into tau तो इसका मतलब drift velocity क्या हो जाएगी e by m into tau ठीक है और यहीं से हमें relaxation time की भी equation पता चल जाती है that is vd into m upon में e into e ये आपकी drift velocity and relaxation time